हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, इससे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाया था, लेकिन वहां पर मैंने उसे दूसरे मेथड से सॉल्व किया था। तो अब यहां पर दूसरे मेथड से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप पहली वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, इसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसे कौन से तरीके से सॉल्व करेंगे? इसे सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच के हमें सिक्स रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए, इसे सीरीज मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सीरीज लिख लेते हैं। तो ये फ्रेंड हमने सीरीज लिख ली है। तो ये सीरीज एक्स प्लस डी कॉमा एक्स प्लस 2d कॉमा एक्स प्लस 3d कॉमा एक्स प्लस 4d कॉमा एक्स प्लस 5d एंड एक्स प्लस 6d है। तो अगर देखिए, मैंने यहाँ पर एक्स प्लस 6d तक ही लिखा है, आगे भी ये सीरीज होती है। अगर आपको जैसे कि 7 नंबर यहाँ पे फाइंड करने होते हैं तो आप आगे का इसका टर्म लिख लेते हैं एक्स प्लस 7d। तो इसी प्रकार आप आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो अब फ्रेंड देखिए, इस सीरीज में हम एक्स और डी की वैल्यू पुट कर करके सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमें रेशनल नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एक्स और डी की वैल्यू हमें मिलेगी कहाँ से, आइए दिखाते हैं। तो फ्रेंड, जो यहाँ पर ये 3 है इसे एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, और जो यहाँ पर ये 4 है इसे बाई लेट करेंगे। डी डी तो अभी मिला ही नहीं, अभी मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो ये 6 लिखा है, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो इसे एन से लिख लेंगे। तो चलिए अब डी पता करते हैं। तो देखिए, डी पता करने के लिए यहाँ पर फार्मूला होता है बाई माइनस एक्स अपान एन प्लस 1, ये डी के लिए होता है। तो ये डी इक्वल टू बाई माइनस एक्स अपान एन प्लस 1 लिख लिया है। तो अब फ्रेंड क्या करेंगे, देखिए इसमें बाई और एक्स की वैल्यू यहाँ से ये वाली और एन की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड बाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर 4 है ये, और एक्स की वैल्यू 3 है ये मैंने पुट कर दी है। और अपान में देखिए एन की वैल्यू देखिए यहाँ पर से क्या है, 6 है। तो यहाँ पर एन की जगह पर 6 लिख देंगे और प्लस 1। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर 1 आ जाएगा, 4 माइनस 3 कर देंगे तो 1, और नीचे ये 6 प्लस 1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो डी की वैल्यू हमें फ्रेंड यहाँ पर मिली है, 1/7 मिली है। तो ये डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब मैं इसे हटा देता हूँ, आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर लें। तो अब देखिए फ्रेंड क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू ये आपके पास रही है 3, और डी की वैल्यू ये 1/7 रही है। तो अब इस सीरीज में ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है, और यहाँ पर भी पुट कर देंगे, यहाँ पर भी इस वाले टर्म में भी, और यहाँ पर भी पुट कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस सीरीज में जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर मैंने 3 पुट कर दिया है, और जहाँ जहाँ पर डी है वहाँ पर 1/7 पुट कर दिया है। तो अब फ्रेंड इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए कैसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए ये जो नीचे यहाँ पर देखिए ये है 3 प्लस 1/7। तो देखिए जो नीचे डिनोमिनेटर में 7 लिखा है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी। तो ये 7 3 21, और ऊपर वाला नंबर प्लस कर लेते हैं तो ये यहाँ पर 22/7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए ये जो 7 लिखा है इसकी भी मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 7 3 21 हो जाएगा। और देखिए ये 2 है, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, 21, और 2 प्लस कर लेंगे तो ये 23/7 आ जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया है। ठीक फ्रेंड, इसी प्रकार इसे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए ये 7 है, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो और ये जो 3 और 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 3 1 3 हो जाएगा, 21 और 3 तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर से इसे सिंप्लीफाई करने पर 24/7 आ जाएगा। अब इसी प्रकार इस वाले स्टेप को भी, क्या इस वाले टर्म को भी सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये 7 3 21 हो जाएगा, देखिए 7 की मल्टीप्लाई में 3 से करा रहा हूँ तो ये 7 3 21 हो जाएगा। और प्लस क्या कर लेना है, देखिए 4 × 1 ये जो मल्टीप्लाई में लिखा है इसको प्लस कर लेंगे तो 21 में 4 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो इसे लिख लेंगे 25/7। ठीक इसी प्रकार इस स्टेप को भी सॉल्व करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 21 आ जाएगा, और ये 5 × 5 प्लस कर लेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने पर 26/7 आ जाएगा। तो इधर देखिए इसे भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 7 3 21 आ जाएगा, और ये 6 1 6, 21 में 6 प्लस कर लेंगे तो ये 27/7 आ जाएगा। तो ये फ्रेंड हमने यहाँ पर 6 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं। ये 6 रेशनल नंबर 3 और 4 के बीच के हैं। तो ये फ्रेंड मैंने इसे दूसरे तरीके से बताया है। मैंने आपको अभी बताया था कि इस क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से भी सॉल्व करवाया है। अगर आपने आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आप ऊपर आई बटन से देख सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।